कौशल होगा, ऐसा कुछ काम किया कर। हमने भी तो यही कहा था, लेकिन क्या बताए, मोटू तो मोटू ही है ना, उसका कोई काम चलता है ना उसका कोई धंधा। मोटू कुछ काम धंधा किया कर बेटा। अरे भैया, अगर हम काम धाम करेंगे तो हम तो हमारे माँ बाप का नाम बदल कर रोशन क्यों करेंगे। हमारे बाप और माँ का जो नाम है वो तो है ही, रोशन कौन सी चिड़िया का नाम है, इस मोटे कुत्ते से पूछ लो। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है अपनी औकात में रहकर। अबे किसका कुत्ता बोला बे, हम कुत्ता दिखाई देते हैं, हमारा नाम डागी है डागी, अच्छे खासों कहला देते हैं। अपने आप को देखा खा के भैंस हो गया है, कुछ काम धाम किया कर। अरे क्या बताए डॉगी जी, 4 घंटे से कुछ खाए पिए नहीं है, फिर में हमें मोटू 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 बोलते हो। तो पता है कि हम 4 घंटे से बिल्कुल उपास निर्जला व्रत रहे हैं। और 4 घंटे पहले क्या खाए थे? अरे वो तो हमने 16 रोटी दाल चावल पूरी सब निकल लिए, फिर भी 4 घंटे बाद हमें भूख नहीं लग रही, देख रहे हो भूख की क्वालिटी। और काम का किए हो मोटू भाई? अबे छोटू के दादा की मैयत में गए थे, वहाँ बड़ा काम करके आए हैं। छोटू के दादा निकल लिए, कल ही तो बड़ा उसे मिल के आए थे हम। अब क्या बताएं डागी जी, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ बात आगे बढ़े। हमसे काहे बोल रहे हो, हम खिलाएंगे पिलाएंगे का? ये हमारे प्यारे इकलौते महाराज भैया से मिलो, इनके पास है जूस की दुकान, तो मैं कुछ दे दे तुम्हारी किस्मत निर्धारित करता। हाँ हाँ, ये गन्ने का जूस ही मोटू के लिए बहुत है। हाँ हाँ ठीक है, हम 2 गिलास दे देंगे। पर ये तो बताओ कि छोटू के दादा जिससे हम परसों मिलकर आए थे, भले चंगे थे, कैसे निकल लिए? इतना मोटा तो हो गया है, 2 गिलास और पी लेगा तो फटेगा नहीं। अरे तो आप बताओ ना, क्या हुआ छोटू के दादा के साथ? चलो तो ठीक है, 2 गिलास जूस ही दे देना, वही सही। अरे तो आप बताओ ना, क्या हुआ छोटू के दादा के साथ? अरे कुछ नहीं, छोटू के दादा भी जवानी की मस्ती में खोए हुए थे, बरसात के मौसम में गाय का दूध निकालने गए थे। जैसे ही गाय के नीचे दूध निकालने के लिए बाल्टी रखी, गाय स्लिप हो गई और छोटू के दादा के ऊपर बिलबिला आ गई। छोटू के दादा चल लिए, बचाने नहीं आया क्या? अरे कहाँ बचाने, लोग आए थे बचाने, दूध की बाल्टी उठा के भाग गए। छोटू के दादा के ऊपर ससुरी गाय भी लोट लोट के मजे मार रही थी। अरे छोटू, दादा की इज्जत अच्छी खासी थी, तुम थूक कर रहे हो उनके नाम पे। अरे कुछ नहीं भैया, मुँह में सुपारी फंस गई थी, रेडियो में सुना था ज्यादा सुपारी खा लेने से लोगों की ऊपर की टिकट कट गई, 3 लोग मर गए हैं उससे। बाय बेटा तोते, तुमने तो हमको वो ज्ञान की बात सुना दी, जब हम सुन के बिल्कुल हमारी आत्मा गिल्ल हो गई है और हम छल हो गए हैं। कल से बंद पक्का बंद। छोटू सुधर गया इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं डागी जी, हम सुधरे नहीं, हम तो रेडियो बंद होने की बात कर रहे थे। हमारी जुबा केसरी और सुपारी तो हमारे प्रेशर का कारण है, सवेरे हल्के होने कैसे जाएंगे? अबे छोटू, हम कल ऐसे ही सैर सपाटे के लिए उड़ रहे थे, तो देखा तुमको वो दुबला पतला सपना था, सरपंच अपने घर में खाना खिला रहा था। अबे जो कोई कुत्ते मतलब इस डागी को भी ना पूछे, तुम्हें खाना कैसे खिला सकता है बे, ऐसा चमत्कार कैसे कर दिए तुम? अरे सही तो बोल रहा है वो, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं तो तू क्या है, सरपंच को गाड़ी लेना थी, क्या हुआ बे? अरे क्या बताएं, हम गए थे गाड़ी लेने के साथ, जैसे ही गाड़ी के शोरूम में गए तो गाड़ी का गेट शोरूम के गेट से टकराने लगा, बाहर नहीं निकल पा रही थी वो। लोग बहुत परेशान हुए, बहुत 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 परेशान हुए। क्या हुआ बे? कुछ नहीं, हमने लोगों से पूछा कि भैया ये गाड़ी निकाल के बाहर कर दो, शोरूम वाले ने बोला कि हम दरवाजा निकाल के हटा देते हैं, फिर गाड़ी बाहर निकल जाएगी, फिर बाद में जोड़ देंगे। उससे में ही सरपंच की चड्डी गीली हो गई। क्या
हुआ बे? अरे हमने उन लोगों को आइडिया दिया जो तुम्हारी छपरी ऊपर से टकरा रही है। तुम एक काम करो, गाड़ी को थोड़ा जैक लगा के साइड करके बाहर कर लो, गाड़ी आराम से बाहर आ जाएगी। कुछ नहीं, उन लोगों ने हमारा आइडिया स्वीकार कर लिया, थोड़ा जैक वैक लगाए, गाड़ी बाहर आ गई। फिर सरपंच ने गाड़ी ले ली। अरे ले के घुमा के चला के लेके आया है हमें बैठाल कर, और हमारी ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हुए हमें चार पांच दिन खाने पे भी बुलाया है। खाली वह समझा है का? अरे हमने तो सुना था कि कल तुम मिठाई की सेठ की दुकान पे लड़ रहे थे। चमत्कार कैसे हुआ? तुम लड़ रहे अल्लू दादा के साथ? अरे वो ना सुनाएंगे तुमको, पहले कछु खाने पीने का इंतजाम हो जाता तो ठीक रहता। हाँ हाँ ठीक है। इतने ज्ञान के कारण तुम्हें एक मटका गन्ने का जूस का बनता है ले लेना, हम दे देंगे। अरे क्या बताएं भैया, वो अल्लू दादा आया था, हाथ में सड़ी मिठाई रख, बोल रहा था कि मिठाई सेठ चोर है और बड़ी बड़ी गंदी भयानक गंदी गंदी भयानक भयानक गालियां दे रहा था। अरे क्या हुआ? फिर मिठाई सेठ आए, मिठाई सेठ ने बोला, मिठाई सेठ थोड़ा ऊंचा सुनते थे, हमने उनको बताया कि ये तुम्हें चोर मिठाई वाला हराम खोर बोल रहा है। अरे तुमने क्या किया? अरे कुछ नहीं भैया, हम भी दो चार मिठाई के डब्बे लेके गुल हो गए, अब तो हमें ये मटका देना बनता है। ठीक है ले लो, ले जाकर कुछ काम धाम करो। ठीक है लाओ दे दो। मैं यहाँ रख देता हूँ और फिर कल सुबह से ऊपर लटका दूंगा, और अब मैं सो जाता हूँ। अरे अब तो हमारे हाथ में ये जूस का मटका आ गया है, अब हम इस मटके से लोगों को 10-10 रुपए ग्लास जूस बेचेंगे, और जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे हम बहुत सारे अंडे खरीदेंगे, और उन अंडों से बहुत सारे मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और उन मुर्गी के बच्चों से धीरे धीरे हमारा पोल्ट्री फार्म खुल जाएगा। उन पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को बेचकर हम बहुत सारी भैंस और गाय खरीदेंगे, जिनका दूध बेच बेच कर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और धीरे से हम उन सभी जानवरों को बेचकर कुछ ट्रक खरीदेंगे, और अपनी एक ट्रक एजेंसी खोलेंगे, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और उन ट्रकों को बेचकर हम एक पानी का जहाज खरीदेंगे, फिर पानी के जहाज से दो हेलीकॉप्टर, और दो हेलीकॉप्टरों को बेचकर हम एक अंतरिक्ष यान खरीदेंगे, और इस डागी और इतोतु को भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे, और अंतरिक्ष में उनको बहुत नजारे दिखाएंगे, और अगर उन्होंने हमारी टांग खींचने की कोशिश की तो हम झट से उनके ऐसी लात मारेंगे। अरे हमारा प्यारा मटका फूट गयो, और हमारा सुंदर सपना टूट गयो।